है। ये दीप जो दान करने की परंपरा है ये सदियों पुरानी है, वर्षों पुरानी है, करोड़ों लाखों वर्ष पुरानी है। इससे हम बहुत सारे लाभ लेते हैं। कई बार हम दीप दान करते हैं हमारे रोग छुमंतर हो जाते हैं बहुत सारे। मेरे पास कम से कम प्रमाण है इस बात के कि 5 से 10 हजार लोग दीप दान से ही ठीक हो गए, लेकिन जिनकी गहरी क्रिया होती है उनकी मैं कहता नहीं, लेकिन उनको भी बहुत सारे लाभ होते हैं अगर वो तरीके से दीप दान करे। और जो मांगा जाए वो उसका भी एक तरीका होता है कि मांगना आपने क्या है, ठीक है ना। तो दीपदान जब करते हैं, ये वैसे विशिष्ट और गूढ़ बात है, बताते नहीं लोग, लेकिन जब दीपदान करते हैं तब आप क्या मांग सकते हैं भगवान से, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या चाहते हैं जब दीपदान करते हैं, कि आपके कष्ट कम हो, दर्द भार कम हो, जो पितर आपके उल्टे हैं वो आपके प्रति सीधे हो जाए, ठीक है, और उनके बंधन खुल जाए। फिर ध्यान से सुनिए कि यहाँ पंडित भी बैठे हैं, यहाँ साधक भी बैठे हैं, यहाँ भक्त भी बैठे हैं मेरे पास, और यहाँ सब जपी तपी बैठे हैं। अगर कोई व्यक्ति या कोई माता बहन जिसने थोड़ी सी भी क्रिया सीख रखी, अगर वो किसी के नाम का दीपदान ही अपने घर पे रोज कर दे तो वो वहीं से ठीक हो जाएगा। कैसे, ये मैं बता देता हूँ आपको। आपको शायद पता नहीं है कि आप दीप दो प्रकार से दान करते हैं, एक अखंड दीप दान करते हैं कि वो जलता ही रहा, उसमें जितना तेल जाएगा जितना घी जाएगा उतनी आपकी आहुति लग जाएगी, ठीक है कि नहीं। दीप कोई घट का रूप नहीं है, इसका रूप नहीं है, घट का दीप रूप नहीं है। आप यज्ञ कुंड बनाते हैं उसमें योनि का स्वरूप बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बताइए जी, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, बनाते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, उनकी स्थापना करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर मेरे को और एक बात बताइए कि जो दीप है उसमें जो अग्रभाग है जहाँ से ज्योत जलती है वो योनि स्वरूप है कि नहीं है। फिर एक बात बताइए कि अग्नि उसका प्रधान देवता है कि नहीं दीप का, पूरे पृथ्वी लोक का एक प्रधान देवता है, 10 उसके सहायक हैं, इस प्रकार से ये 11 देवता हैं। पूरे द्यूलोक का एक प्रधान देवता है वायु, 10 उसके सहायक हैं, ये 11 देवता हैं। पूरे आकाश लोक का एक प्रधान देवता है आदित्य, उसके उषस आदित्य उसके 10 सहायक हैं, इस तरह से 33 प्रकार के कोटि 33 कोटि देवी देवता हैं जो हमारा रक्षण करते हैं, हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी सहायता पहुंचाते हैं। मानव जो है वो युगो युगो से कोटि कोटि दीर्घ अवधि से वो यज्ञ करता आया है, दीप एक यज्ञ है, अगर उसको तरीके से किया जाए तो वहां से आपको, चाहे आप शनि धाम में आए ना आए, ये एक बात अलग है कि आप चाहते हैं कि आपको मनु भैया का सानिध्य मिले, ठीक है, एक ऐसा मानव तन मिले जो आपको समय समय पर सहायता पहुंचाए, और आप जिसको, क्योंकि समक्ष जो आदमी आता है उसमें प्रभाव अलग होता है, चाहे वो भक्त हो और चाहे वो कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, उसके तो उसका एक अलग प्रभाव होता है जब वो जुड़ता है तो, क्योंकि भक्त से हमेशा देवता की तरंगें जुड़ी रहती हैं, तब वो उन तरंगों को कई बार पा जाता है। जैसे एक बच्चा हमारे पास आता है, एक दिन मैं देख रहा था हमारी दो सिद्धियाँ जो बड़ी ताकतवर हैं जो मेरे मस्तिष्क के दोनों तरफ बैठती हैं, वो दोनों सिद्धियाँ निकल के उसके पास चली गई, उसको वैसे ही शक्तियों का आभास होने लगा जैसे मुझे शुरुआत में होता था, ठीक है। तब मन ने प्रसन्नता पाई, चलो आज के बच्चे अगर मेहनत करेंगे, आज का युवा अगर मेहनत करेगा तो हो सकता है वहीं तक पहुंचे, मुझसे भी ऊपर पहुंचे, तो इससे क्या होगा, इससे समाज में जन जागरण और रोशनी आती ही आती है। अब जो हम दीपदान करते हैं वही हम यहाँ यज्ञ भी कर रहे हैं, बस उसकी प्रक्रिया क्या है, खाद्य पदार्थ उसमें भी जा रहा है, हम भोग्य पदार्थ यानी कि देवताओं के स्वैच्छिक पदार्थ हम उसमें भी प्रदान कर रहे हैं और इसमें भी प्रदान कर रहे हैं। देवताओं का जो भोग है, जो आहार है, वो सुगंधी है, इसलिए घी का दीप जलाते हैं तो उसकी सुगंधि आती है, लेकिन सरसों का कड़वा तेल या तिल का तेल जलाते हैं तो उसकी जो सुगंधियाँ हैं वो अलग अलग देवताओं को पसंद है, वो शनिदेव महाराज को पसंद है, ठीक है ना। बाकी कई अन्य प्रक्रियाओं में कड़वा तेल यानी कि जो हम सरसों का तेल लेते हैं वो कई बार उच्चाटन में मारण में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ हम उसको यूज कर
सकते हैं। एक हमने प्रेतों को जो इसका संसार है सूक्ष्म, हमने उनको अपने शरीर से अपने घर से बाहर फेंकना होता है और निकालना होता है क्योंकि हम उसके प्रभाव में पूर्ण रूप से जकड़ चुके होते हैं। अब हमें उसको निकालना है तो हमें कई प्रकार के यज्ञ की आवश्यकता चाहिएगी। जिस प्रकार से कहते हैं कि शत्रु से लड़ने में साम दाम दंड भेद, लेकिन इनकी तीन जो मुख्य प्रक्रियाएं हैं धाराएं हैं वो यही है कि आप अपना जप करें, जप करवावें, यज्ञ करें, यज्ञ करवावें, दीपदान करें या दीपदान करवाएं। तो जब दीपदान करते हैं तो आपने बोलना क्या है वो आप बोलते हैं ठीक से नहीं है। मैंने फिर भी बताया था कि एक भक्त है मनु भैया, आपने उनको साक्षी मानना है ताकि आपकी त्रुटियों की कोर कसर पूरी हो जाए। और देवता जो है वो चूंकि एक भक्त जो होता है उसका उसका एक माध्यम बनाकर वो कृपा आगे अग्रसर होती रहती है। इसी प्रकार से जब मंत्र देता है एक गुरु दूसरे को, दूसरे से तीसरे को वो जाता है तो वो जितना नीचे तक चला जाता है, जितना नीचे तक स्थापित होता जाता है, उतनी ही उसकी शक्ति सदैव बढ़ती जाती है और वो एक टाइम में आके हमारी आने वाली पीढ़ियों को बड़ी तरंगे बड़ा शक्तिपात कराता रहता है। तब उनको विशिष्टता से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कोई चीज़ वो हो रही है, यानी कि कोई शक्ति हमारे शरीर के अंदर पदार्पण कर रही है, आगमन कर रही है, किसी शक्ति ने आगमन किया और हमारा शरीर उन ऊर्जाओं से भर गया। तो सबसे पहले हाथ जोड़ेंगे, दीप जलाएंगे, दो अगरबत्ती जलाएंगे और फिर मैं जो बोलता हूँ वही मेरे साथ बोलेंगे। बोलिए, हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी मानकर हम आपको दीप दान करते हैं, हमारे दीप को ग्रहण करो, हम पर कृपा करो, हमारी रक्षा करो, हमारे पितरों के बंधन का वर्धन करो, उनका वशाकर्षण करो, वशीकरण करो, उनको शांति दो, अपनी भक्ति दो और मुक्ति प्रदान करो। ये तो बोलना है पितरों के लिए, इसके लिए बोलना है पितरों के लिए। अब दूसरा जो वाक्य है वो चलता है आपकी निगेटिव के लिए। क्या बोलना है वो फिर हाथ जोड़ के बोलेंगे, हे शनिदेव महाराज, हमारे शरीर में, घर में रहने वाले प्रेत को, किसी तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया को, वह किसी तांत्रिक द्वारा छोड़े गए देवता को, जो मलिन होकर हमें कष्ट पहुंचा रहा है, उनको बंधन हीन करके उनका मर्दन कीजिए, स्तंभन कीजिए, बंधन कीजिए और हमारे शारीरिक भार, बंधन, दर्द, कष्ट आदि का निवारण कीजिए। आपकी सदा ही जय हो। हमारे द्वारा दिए गए दीप दान को आप ग्रहण कीजिए। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। आपको पता है।